तुम भी ना, पानी दो सांप को। एक्सक्यूज मी। हाँ, आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं। ये क्या कर रहे हो? घर तक छोड़ रहा हूँ ना, स्कूटी से। स्कूटी मेरी नहीं है। चलत ये मेरी है। सुना है कोरोना वायरस की दवा बन गई, यह बात सच है क्या? बताइए। हाँ, बन गई और नाम है GPR, मतलब घर पर रहना। और मोटर बंद कर दो, टैंकी भर गई है। ए भाई, अल्लाह के नाम पे कोई दे दे भाई। या अल्लाह। ये आंखें उन आराम खोरों को ढूंढ रही है जिन्होंने 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं दी थी। सालो, तुम्हारी वजह से आज जान के लाले पड़े हुए हैं। यार प्रेम, वो लड़की कितनी सुंदर है ना भाई। अबे तो चलना, मैं बात करवाता हूँ तेरी। हाँ, चल। एक्सक्यूज मी, ये आपको बहुत पसंद करता है। मुझे इंग्लिश बोलने वाले लड़के पसंद है। अरे इंग्लिश तो ये बहुत फास्ट बोलता है। अच्छा, हाँ। बोल के दिखाओ। इंग्लिश। यार आई लव यू। ऐसे तो सब प्रपोज करते हैं, कुछ नया तरीका दिखाओ। मेरे बच्चों की माँ बनोगी? और भैया, लॉकडाउन में बाहर निकल के कितने डंडे खा लेते हो? 350। 350 बेज्जती मिला के। और कितनी देर बाहर निकलते हो? 5 मिनट। कितने? 5 मिनट। और डंडों के साथ और भी कुछ खाने को मिलता है? गालियाँ। हम ऊपर वाले से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। थैंक यू। गर्मी में एक लड़का अपना पसीना अपनी गर्लफ्रेंड के दुपट्टे से पोंछ दिया, तो गर्लफ्रेंड बोली, मेरा दुपट्टा क्यों गंदा कर रहे हो? और वही लड़का गर्मी में अपना पसीना अपनी माँ के आंचल से पोंछा, तो माँ बोली, बेटा रुक जा, ये गंदा है, तुझे साफ कपड़ा ला कर देती हूँ। तो यार माँ, माँ तो माँ होती है, माँ के लिए एक लाइक जरूर करिए। क्या हुआ भाई, किसने पीटा? न्यूज वालों ने पिटवा दिया यार। कैसे यार? टीवी पे बता रहे थे कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना ही काफी है। मैं मास्क पहन के बाजार चला गया, वहाँ जाके देखा तो पता चला यार लोग पैंट शर्ट भी पहने हुए हैं। अच्छा। क्या हुआ बेबी, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम रोज देखते हो लेकिन ला नहीं सकते? पड़ोसन। सलाम करो लड़कियों, तुम्हारे होते हुए भी सिंगल हूँ मैं। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ जिसे तू कल तक अपनी जान कहती थी। और सुन, प्यार की भीख मांगने के लिए कॉल नहीं किया तुझे, वो तो वैसे भी तेरी औकात की बात नहीं है। आज किसी ने तेरे बारे में पूछा, उन्हें तो बता नहीं पाया, तो सोचा तुझे ही बता दूं। तो सुन, एक साथ दो लड़कों से बात करना ये तेरी आदत में शुमार है, किसी से सच्चा वाला प्यार करना, अरे ये तेरी औकात से बाहर है। मैंने अंधा विश्वास किया था तुझ पे और तू मुझे धोखा देती रही, मेरे पीठ पीछे किसी और से मिलती थी और आई लव यू मुझे कहती रही, खुद को पल पल कोसता रहा, लगा तू मुझसे रूठी थी, पर धीरे धीरे समझ आ गया तू तो साली झूठी थी। मैं रात भर तेरे रिप्लाई का इंतजार करता था और तू अपना सारा वक्त किसी और पर लुटाती थी। अरे घंटों घंटों तेरा नंबर बिजी जाता था और पूछने पर बहन का कॉल आया था ये बताती थी। मैं फिर भी मानता रहा तेरी हर बात, प्यार के नशे में समझ ही नहीं पाया तेरी औकात। ओए तू सिंगल है क्या? हाँ, क्यों? मेरा एक दोस्त है, महीने का 1 लाख कमाता है, उसके पास गाड़ी भी है और खुद का घर भी है और वो मुंबई में रहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो काला है, चलेगा क्या? इसी क्वालिटी में दूसरा कलर मिलेगा क्या? मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। मेरा जो सनम है, जरा बेरहम है, देखे मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा। दिल को भी ऐसे दिल भर पे नाज होता है, हो, 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 हो। किसी से तुम प्यार करो
तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। बच्चों खड़ा हो, मैंने जो कल पढ़ाया वो बता, नहीं तो पैंट उतार के मारूंगा। लेकिन सर गलती तो मैंने की है, तो आप पैंट क्यों उतारोगे? हेलो दोस्त, आप लोगों से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। हम लोग मोहब्बत करते हैं, लड़की को लेके भाग जाते हैं, लड़की के चक्कर में जहर खाते हैं। ये बताओ, जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे के हमसे 10 घंटे बात कर सकती है, क्या हमें धोखा दे के 1 घंटे किसी और से बात नहीं कर सकती? अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरा जवाब देना दोस्त, कि सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। अरे वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और एक आशिक है मेरे मोहल्ले में 72 साल के, एक आशिक है मेरे मोहल्ले में 72 साल के, आज भी रजाई ओढ़ के बादाम चमन परास खाते हैं। कल मैंने मेरे पुराने गर्लफ्रेंड के बच्चे को पकड़ा और उसको बोला, अगर तेरी मम्मी ने मुझे धोखा नहीं दिया होता ना तो तू आज मेरा होता। अरे मैंने तो सारे बर्तन और कपड़े धो दिए, फिर भी मुझे क्यों मार रही हो? जब तुमने सब काम कर लिया तो मैंने तुम्हें इतना मारा, तो जरा सोचो अगर एक काम भी छूट गया होता तो मैं कितना मारती। अरे भाई भाई ये क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। अरे भाई लिखा तो है। अरे कुछ नहीं लिखा है। लिखा तो है। अरे कुछ नहीं लिखा है। लिखा है यहाँ पे। अरे कुछ नहीं लिखा है यार, बता दो क्यों नहीं लिखा है। अरे अरे आंटी आंटी क्या हुआ? अरे बेटा भगवान तेरा भला करे, तूने मुझे उठाया, भगवान तुझे उठाएगा। बेबी, मम्मी पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ, क्या बात है, कैसे? अरे मैंने उन्हें ये कहा कि तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है। अगर पैसे पेड़ पे उगते ना तो ये लड़कियां बंदर से भी सेट हो जाती। खाया सिर्फ चाइना वालों ने और हाथ पूरी दुनिया धो रही है। सर दिस इज लाल किला। सर दिस इज माउंट एवरेस्ट। ओ माय गॉड, इंडिया में तो दीवारों से भी पानी आता है। ओ नहीं सर, यहाँ कोई मूत के गया अभी। इंडिया अभी भी नहीं बदला है। अबे तू कमाल का बंदा है यार, आज तेरी शादी और तू यहाँ छुप के बैठा है। चल घर पर, सब ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई तुझे। चल मैं नहीं जाऊंगा। चल चल ना। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे मेरी शादी और मुझे कांड नहीं दिया यार। 3 औरतें मरने के बाद यमलोक पहुंची तो यमराज ने पहली महिला से पूछा, तुमने कब चुम्मा लिया था? तो पहली महिला बोली, मैंने शादी से पहले चुम्मा लिया था। यमराज बोले, इसे नरक में ले जाओ। फिर दूसरी महिला से पूछे, तुमने कब चुम्मा लिया था? दूसरी महिला बोली, मैंने शादी के बाद चुम्मा लिया था। यमराज बोले, इसे स्वर्ग में ले जाओ। फिर तीसरी महिला से पूछे, तुमने कब चुम्मा लिया था? तीसरी महिला बोली, न मैंने शादी से पहले चुम्मा लिया था, न शादी के बाद चुम्मा लिया है। यमराज बोले, इसे मेरे बेडरूम में ले चल। अबे देख के नहीं चला सकता। अरे भाई ये क्या लिखा हुआ है, खुद पढ़ ले। साले मैं ही पढ़ा लिखा होता तो तेरे को क्यों बोलता? आई लव यू। हम सिर्फ पबजी से प्यार करते हैं। क्यों? लोग मुझ पर मरते हैं। काहे तुम सरकारी अस्पताल का बिस्तर हो क्या? अरे बाबू ने खाने में क्या खाया? फल खाए, जूते खाए, लड्डू से खाए। क्या बोला तू? हाँ भाई बोलना। क्या बोला तू? अबे फोन पे बात कर रहा हूँ ना, खेपड़ी फिर से आ गई। उस दिन समझाया था ना देखो मैंने। चल निकल यहाँ से। हजेली साली, फोन पे बात करूँ। अच्छा भैया एक बात बताइए कि अगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है तो फिर जबरदस्ती का नाम मोदी भी रखा जाए।
मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हो। भाई लड़की होगी। अबे लड़का होएगा? नहीं लड़की होगी। अबे लड़का होएगा? डॉक्टर अगर लड़का होए तो कह रहे गर्म हुआ है और लड़की होए तो कह रहे ठंडा हुआ है। ठीक है ठंडा होगा भाई गर्म होएगा? ठंडा होगा भाई गर्म होएगा? ठंडा होगा। ऐसा बताता क्यों ना गर्म होएगा? ठंडा होगा। क्या होएगा? मुबारक हो गुनगुना हुआ है। आप लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो पता ही कैसे क्या लिख लेते हैं यार। इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। इसलिए आप लोग जल्दी शादी करो और माँ बाप बन जाओ। हाँ। हाँ डार्लिंग कैसी हो? अबे साला ऐसा कोई रिंगटोन रखता है क्या? आजकल की मोहब्बत भी कमाल की है यार। जैसे मिल जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं मिले तो अगले मोहल्ले। आजकल अरे तौलिया कहाँ है? मुझे नहाना है। नहाने के लिए तौलिया नहीं, पानी और साबुन चाहिए, तौलिए से तो बदन पोछते हैं। ज्ञान देने का शुक्रिया। अरे पति पत्नी में सॉरी थैंक यू नहीं बोलते। अरे पर तौलिया कहाँ है, जल्दी जवाब दो। एक बात बोलो, तौलिया दूँ कि जवाब दूँ? तौलिया दे दो। तो जवाब किसे दूँ? तुम रहने दो यार। अरे घर तुम्हारा भी है, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। इस बात के लिए मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मंद रहूँगा। और जीवन के बाद? तौलिया मिलने के बाद बताऊँगा। क्यों, जीवन तौलिया में लपेट के रखा है? अरे बात मत करो अभी, मेरे पास समय बहुत कम है। ऐसा मत बोलो, मेरा सुहाग उजड़ गया तो मेरा क्या होगा? अरे समय कम है मतलब आज बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे बाथरूम में जाने दो। पर बाथरूम में कौन सी मीटिंग है? मीटिंग बाथरूम में नहीं, ऑफिस में है। म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस में? अरे भाई भाई ये क्या लिखा है, मैं अनपढ़ हूँ, तुम भी अनपढ़ हो। मैं यमराज, मैं इंसान के भेष में आया हूँ तुम्हें लेने। इस पर्चे में जिसका नाम सबसे पहले है पहले उसे लेके जाऊंगा। सैम। युवराज जी सैम। चल मेरे साथ। यमराज जी एक बार जाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। चल मांग अपनी आखिरी इच्छा। यमराज जी मैं अपने हाथों से तुम्हें पानी पिलाना चाहता हूँ। चल तो बच्चे लिया। लो यमराज जी पानी। चल तो बच्चे मुझे नींद आ रही है। जब तक ये सो रहा है अपना नाम काट के सबसे नीचे लिख देता हूं। बच्चे तूने पानी पिलाकर मेरी थकान दूर कर दी, अब मैं सबसे नीचे से नाम शुरू करूंगा। सैम। अबे नूर वो देख कितने सारे बिजली के तार हैं यार, पर एक बात समझ नहीं आती है, बिजली आती कहाँ से है? हाँ अबे मैं बताता हूँ बिजली कहाँ से आती है। कहाँ से आती है? बिजली आती है मेरे मामा के घर से। अच्छा वो किसने बताया तुझे? अबे जब भी बिजली जाती है ना तो पापा कहते हैं सालों ने फिर से बिजली काट दी। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब। शराब के पैग लगाने से कोरोना वायरस का खात्मा, दारू पीने से ये वायरस चला जाएगा क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तो ये वायरस काहे नहीं जाएगा रे बाबा? बाबा ये क्या कर रहा है? देश बदल रहा है। हाँ? पामा पता ही देश बदल रहा है। भाई से क्या हो गया? भाई कोरोना वायरस से बचने के लिए मुंह पे मास्क लगाता है। तुझे क्या हुआ? तेरा भाई कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथ भी धोता है और मास्क भी लगाता है। हमें क्या, हम तो एक पैक सुबह एक पैक शाम को, संतुष्ट हो जाए आत्मा, कोरोना वायरस का खात्मा। मैंने कहा तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, उसने कहा अभी कुछ दिन रुक जाओ, रोड पे पुलिस कुछ ज्यादा है।
जिंदगी में आगे वो ही बढ़ते हैं जो झाड़ू लगाते हैं, वरना पोछा लगाने वाले पीछे जाते हैं। ए भाई। हाँ भाई। एको बात ते कभी सोचा है बे? कुंची कि शादी ही एक ऐसा जख्म है जिसमें चोट लगने से पहले हल्दी लगाया जाता है। क्या काम करते हो भैया? एक बड़ी कंपनी में जॉब है। सैलरी कितनी मिलती है? बस मामूली है। अच्छा, मामूली है तो बाप गाजर होगा फिर। मुंबई के रॉकी का दिल टूटता है तो वो ये गाता है। आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। दिल्ली के बिक्कू का दिल टूटता है तो उमा का दिल टूट जाए तो वो ये गाता है। तोरा बिना दुनिया फिरान लागे गोरी रे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, तो वो दूसरों का दुख दर्द क्या समझे? अरे मेरी जान, कौन कहता है कि मोदी जी का परिवार नहीं है? अगर मोदी जी अपनी पत्नी के साथ रहते तो शायद उनके दो चार बच्चे होते और माँ बाप भाई सबको लेकर 10-20 लोगों का परिवार होता। लेकिन मोदी जी ने देश सेवा में अपना सब कुछ त्याग दिया और 130 करोड़ की जनसंख्या को अपना परिवार माना, बुजुर्गों को अपने माता पिता के समान माना, छोटों को औलाद के समान माना। इतना बड़ा परिवार शायद पूरी दुनिया में और किसी का नहीं और ना होगा, और ना ही ऐसा मुखिया किसी और परिवार का होगा। हमारा यह फर्ज बनता है कि हम हमेशा अपने मुखिया की को माने, क्योंकि इतिहास गवाह है जिस परिवार का मुखिया लायक होता है और उसकी बात ना मानी गई हो वो परिवार तबाह हो जाता है। कोरोना इतनी बड़ी समस्या नहीं है, समस्या तो ये है कि कुछ लोग अपने इस मुखिया की बात नहीं मान रहे। यदि देश का हर इंसान अपने इस मुखिया की बात मान लेगा तो कोरोना को भागना ही होगा। मैं दूसरों को नहीं जानता, पर मैं अपने इस मुखिया के साथ हमेशा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारा मुखिया इस जंग को जीत कर ही रहेगा। क्योंकि कोरोना भाग जा हमारे देश को छोड़कर, क्यों जिद पर अड़ा है, याद रख इस बार तेरा पाला नरेंद्र मोदी से पड़ा है। ABCDEFG XYZ। अरे क्या बोल के गया ये? अरे गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का है, इंग्लिश आती है उसे। अच्छा अच्छा अच्छा। ए ब्रो, वेयर इज दिस एड्रेस? अरे यार मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, जा उसको बुला के ला, अभी आता हूँ। भाई तुझे इंग्लिश आती है ना? हाँ। चल वेयर इज दिस एड्रेस? ABCDEFG XYZ। तुझे थप्पड़ मार के क्यों चला गया है? अरे वो ये बोल के गया कि साले इतना पढ़ा लिखा है, इन गवारों के बीच में क्या कर रहा है। हाय बेबी, कैसी हो? एकदम मस्त। वो कौन है रे? वो हमारे भाई है। अरे मटरा इधर आ। तुम्हारी भाभी कैसी है? कल तो दिखाई थी उससे बढ़िया। भाई भाई बताओ ना क्या लिखा हुआ है? 20-2 तो बताऊंगा। ये ले, अब बता क्या लिखा हुआ है? 20-2 तो बताऊंगा। ये ले, अब बता दो यार क्या लिखा हुआ है? 20-2 तो बताऊंगा। तू कितनी लाजी भांगी ऐसे? डॉक्टर साहब। हाँ जी। मेरे भाई को होश आया? क्या ये बेहोश था? हाँ तो मैंने तो इसका पोस्टमार्टम कर दिया। रे किसान जुगुर जी, चले ABCD सुनाओ। सुनाते हैं। हाँ सुनाओ। ABCD। और सुनाओ। और सब ठीक ठाक है, अपना बताइए। क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं यार, जैसे तैसे करके दिन काट रहे हैं। भाइयों तुम्हें पता है मैं 100 के 1000 बना देता हूँ। अबे साले फेंक मत, फेंक नहीं रहा और बना देना तो दोनों को 500-500 रुपए देने पड़ेंगे मुझे। साले दूंगा, चल बना के बता। लोग ये ले बना दिए 100 के 1000। मेरे करम में बावली।
जवानिया पर चोकर छीट दबनाक दुबा के मर जाएगी। भाई ये अंडरवियर कितने की है? भाई ये 50 रुपये की है। भाई इसकी कोई गारंटी है? है ना भाई, आप 6 मंजिले से गिर जाओ आपकी गांठ फट जाएगी पर अंडरवियर नहीं फटेगी। भाई साहब भंडारे में जो मेरे चप्पल चोरी हुए थे वो किसने चुराए थे? चोर का फोटो निकालो जरा। भाई झूठ बोले आई है आप कसम से। भाई हाँ अच्छा हो ना मैं इंडिया में पैदा हुआ, वरना अमेरिका में हो जाता तो क्या अंग्रेजी कहाँ आती है मुझे। और भाई कैसा है? अबे आग लगे चाहे मस्ती में, बाबा तो रहते मस्ती में। यार एक काम था। हाँ तो फिर काम निपटा ले, बाद में बात करेंगे। आज मेरा दोस्त आपको बहुत ही जबरदस्त चुटकुला बोल के सुनाएगा, आपकी हंसी नहीं रुकने वाली। बोलिए चुटकुला। चुटकुला खुल गया भाई, लॉकडाउन खुल गया, खुल गया भाई, दुबई में खुल गया लॉकडाउन, खुल गया। चलो भाई चलो भाई, दुबई में 9 बजे। उसको बोले ना लाइन दे। ओए लाइन दे उसको। ये क्या कर रहा है? लाइन दे रहा हूँ। अबे साले लाइन। भाई हाँ वो आदमी मेरे पैसे नहीं दे रहा है। क्या बात कर रहा है, चलो उसकी खटिया खड़ी करते हैं। चलो चल चल खड़ा। ये क्या कर रहा है भाई, कर देना खटिया खड़ी। कोई बीच में मत बोलना, क्रोध में हूँ मैं। पसंद नहीं हूँ या मेरा कला पसंद नहीं है, या मेरा टैलेंट पसंद नहीं है, या मेरा वॉइस पसंद नहीं है, तो तुमको क्या पसंद है? प्रधानमंत्री के गाली गलौज या लड़कियों की गंदी गंदी वीडियो लहंगा चोली? बच्चों बताओ घर घर शौचालय बनाने का क्या फायदा है? नींबू खड़ा तू बता। सर घर घर शौचालय बनाने से वातावरण शुद्ध रहता है। वेरी गुड, एक और फायदा बताओ। सर बार बार आगे खिसकना नहीं पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, अगर आप इस लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं, आपको कोई अच्छी सी मूवी देखनी है, तो आप भोजपुरी की एक मूवी देख सकते हैं जिसका टाइटल है भौजी की चोली में लगी आग, भैया गए भाग। किसने मारा? भाई इसी ने मारा। साले एक साथ दोनों लोगों को लात कैसे मार सकता है? भाई और 10-12 दिन है, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, फिर खूब मस्ती करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। मोदी नाम है उसका। अच्छा अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे? डॉक्टर साहब हम तो गरीब आदमी हैं। अच्छा कब्र खोदते हैं। ओ आपकी फ्री में खोद देंगे। ओ पुलिस चुपचाप रहे ना, मेरे कंधे पे हाथ रख। क्यों रे सालो, तुमको नहीं पता सब बंद है? सर मेरे भाई का आग का ऑपरेशन था, उसको हॉस्पिटल से लेके आ रहा हूँ। अरे 100 का नोट। मैं आई कम इन सर। बैठो बैठो, सब बच्चे टाइम पे आते हैं, तुम ही क्यों रोज लेट आते हो? झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। मार साहब मेरे बच्चे का एडमिशन करना है। अच्छा बेटा गिनती आती है? जी। टेबल? जी। और इंग्लिश? इंग्लिश सूट नहीं करती। बियर मंगवा लो। साले एक कंटाप मारूंगी तो धरती दिखना बंद हो जाएगा। चल भाई एयरपोर्ट ले चल। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से पी पी के आ जाते हैं। अबे ये एयरपोर्ट ही है। एयरपोर्ट आ गया? हाँ। ये ले 200 रुपए।
और अगली बार रिक्शा धीरे चलाइयो। चल गाड़ी बढ़ा, फटाफट गाड़ी बढ़ा। अरे भैया मुझे गाड़ी नहीं चलाना आती यार, मैं वैसे ही बैठा था। अरे मैं बोल रहा हूँ ना तुझे गाड़ी बढ़ा। अरे नहीं यार भैया मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। मैं बोल रहा हूँ गाड़ी बढ़ा, तू फटाफट गाड़ी बढ़ा। अरे सच में मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। अरे मैं बताता हूँ ऐसे चला। अरे मुझे नहीं आती यार गाड़ी चलाना। अरे तू उतर, मैं चलाता हूँ गाड़ी। हाँ ठीक है। मैं प्रेम का प्याला पिया, एक पल में सदिया जिया, सारी मधुशाला पिया, एक पल में सदिया जिया, मैं पिया ना पिया, मैं पिया जा पिया, मैं जिया जोगी रत्ता जोगी भय जोगी। अरे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे को बचा लूंगा। क्या भाई रोक क्यों रहा है? भाई हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरे मोबाइल को कोरोना वायरस हो गया। अबे फोन को कैसे हो गया? भाई जब भी किसी को फोन लगा रहा हूँ खांस रहा है। कभी भी जेब खाली हो मेरे पास आना, ऐसा तरीका बताऊंगा। कभी जेब नहीं खाली होगी। कभी जेब खाली नहीं होगी ना। हाँ मुझे तरीका बताओ, बताओ गुरु बताओ। बताओ बताओ गुरु बताओ। शाम में जाओ कपड़ा बिछाना। ओह नो। हम लोग सुबह देर से उठते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आलसी हैं। अरे यार हमारे सपने बड़े होते हैं तो देखते देखते टाइम लग जाता है। हे ऊपर वाले, ऐसा जादू चला दे जो वीडियो लाइक ना करे उसके फोन की डिस्प्ले उड़ा दे। अब तेरे भाई ने कर दी। मे आई कमिंग सर? रे ऐसे बोला जाता है, सुन रे मास्टर मैं घुसू के अंदर। देख के चल बे। हल्के में ले रहा दिखे, नहीं तो क्या बारी मिलू। जानता कौन हूँ मैं? कौन है तू? कोरोना का मरीज हूँ। और हमारी मुझे कुत्ते सुन। हाँ तू कुत्ता है। इसको फांसी देने में कितने समय बाकी है? सर 5 मिनट बाकी है। अच्छा अपना आखिरी इच्छा बता दे। सर इधर आइए, सर आपके कान में मूतना चाहता हूँ। हाँ बेबी खा लो, खाना खा लो। भाई खैनी है खैनी। अरे हट ना, परेशान क्या कर रहा है साला। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। साले बर्बाद होते हैं लड़कियों के पीछे और कहते हैं कि सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे। खोल करके सुन लीजिए, अगर सीमाओं को पार करोगे तो ये मोदी है लेने के देने पड़ जाएंगे। तो पार्टी में होक दिखा मुन्ना। कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। ठीक है तुम बैठो। अमन तुम क्यों नहीं आए? सर मैं मुन्ना को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। हेलो। अरे आप वही होना जो सबको हंसाते हो? जी हाँ मैं वही हूँ जो सबको हंसाता हूँ। हाँ मगर आपको कोई हंसाता है क्या?
हेलो हेलो कौन? मैं कविता बोल रही हूँ। हाँ बोलो, मैं तालिबे जा रहा हूँ। भाई ये वीडियो को है ना 400 लोगों ने देखा। ओ अच्छा, उसमें से लड़कियाँ कितनी थी? कुत्ता कहीं का। वन टू थ्री। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के। अच्छा बेटा बताओ, भारत की आजादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था? सर इतना बड़ा। अरे वाह बेटा वाह, पहले कहाँ थे आप? भारत के बापू हैं वो, इज्जत किया करो उनकी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम एफआईआर लिखो हमें तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो हम सड़कों दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे, बैरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंध भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। चलो उसे ना ये बताओ, आई लव यू शब्द का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? चाइना। वो कैसे? सर उसकी कोई गारंटी नहीं होती ना, चले तो चांद तक वरना शाम तक। हेलो फ्रेंड्स, ये सारी लड़कों के लिए, अगर पसंद आए ना तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कौन कहते हैं हम उसके बिना मर जाएंगे, हम तो दरिया हैं समुंदर में बह जाएंगे, वो तरस जाएगी मेरे एक बूंद प्यार के लिए, हम तो बादल हैं किसी और पर बरस जाएंगे। अच्छा भाई एक तो बात बता तो। कौन सी? एक औरत एक घंटे में 50 रोटी बनाती है, तो तीन औरतें मिल करके एक घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगे? एक भी नहीं। कहे की देख, अकेली है तभी काम कर रही है, अगर तीनों मिल गए तो सिर्फ पंचायत होगा। साला अब समझ में आया कि लड़कियां प्रपोज क्यों नहीं करती।